झारखंड की रांची और कोडरमा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा भर दिया है और रांची में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन के पहले रैली आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हीरू महतो खास तौर पर मौजूद रहे। दूसरी तरफ कोडरमा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नामांकन के मौके पर आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संजय सेठ की जीत पक्की मानते हुए कहा कि जिस तरह लोगों का उत्साह मोरहाबवादी मैदान में आयोजित नामांकन जनसभा में देखने को मिली, उससे ये साफ लग रहा है कि संजय सेठ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उत्तराखंड और झारखंड के संबंधों को बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों का जन्म एक ही समय में हुआ है, इस दृष्टि से ये खास है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। हम जिस भूमि से आए हैं वो देवभूमि है, जहाँ से गंगोत्री निकलती है और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देश के अन्य राज्यों तक पहुंचेगी। झारखंड जैसे राज्य के लिए तो यह आवश्यक भी है। एससी समाज के भाई बहनों का जो आरक्षण है उसका हक भी एक विशेष समुदाय को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को रातों रात ओबीसी बना दिया। अब ये कर्नाटका का जो मॉडल है पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। एससी समाज के भाई बहनों का